हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरीन्स रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बनोफी पाई, जो कि एक बहुत ही फेमस इंग्लिश डेजर्ट है और ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, बनाना टॉफ़ी व्हिप्ड क्रीम और बिस्किट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैकेट, बड़ा पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का लिया है। तो आप अगर छोटे पैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप दो ले लीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क का टिन लिया है। इसे हमें ओपन नहीं करना, बस हमें पैक्ड कंडेंस्ड मिल्क चाहिए। इसी के साथ 100 ग्राम्स ऑफ बटर यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। साथ में व्हिप्ड क्रीम मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स ली है। ध्यान रहे कि हमें इसमें व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल करना है, फ्रेश क्रीम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर शुगर ले लिया है, इसे मैं ग्राइंड करके पाउडर्ड शुगर बना दूंगी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर वेनिला एसेंस लिया है ताकि जो व्हिप्ड क्रीम है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो इसका जो की इंग्रेडिएंट है बनाना, हम यहाँ पर 3 बनानास यूज़ करेंगे। इसे मैं स्लाइस करके इसका इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं टॉफ़ी के प्रोसेस में। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कुकर लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर इस कंडेंस्ड मिल्क के जो टिन है इसे विदाउट ओपन किए इसमें रख दूँगी और इसमें हम फिल कर देंगे पानी। जब तक ये डूबता नहीं है उतना पानी हमें इसमें फिल करना है। तो लगभग मैंने 5 से 6 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिए है। तो आप देख सकते हैं इसे जब तक ये पूरी तरह से डूब ना जाए उतना पानी हमें इसमें ऐड करना है। अब पानी फिल करने के बाद हम इसका लिड लगा देंगे। तो देखिए पूरी तरह से पानी फिल हो चुका है। अब लिड लगाकर हम इसे 5 मिनट तक बड़ी आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद इसका फ्लेम लो करके हम 20 मिनट्स और इसे पकाएंगे। तो लो फ्लेम पर 20 मिनट्स एंड 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर, तो ऐसे 25 मिनट्स हमें इसे पकाना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए थे, इसे मैं मिक्सी के जार में पूरी तरह से क्रश कर रही हूँ। आप फूड प्रोसेसर में भी इसे क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन हमें इसे क्रश कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मेल्टेड बटर। तो देखिए यहाँ पर मेल्टेड बटर मैंने लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली जो बनोफी पाए का जो पाए है वो हम बनाएंगे ये बिस्किट के क्रश से। तो इस तरह का मैंने केक टिन यूज़ किया है, आप कोई भी तरह का केक टिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो रिमूवेबल रिंग वाले केक टिन होते हैं वो इस्तेमाल किया है। इसे आप अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लीजिए और इसके ऊपर ये जो बिस्किट का हमने बनाया हुआ है मिक्सचर, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो एक स्पून की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। देखिए एकदम प्लेन हमें इसे इसका जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन बनाना है। तो आप कोई भी स्पून या बोल की मदद से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसके जो एजेस है इसे मैं थोड़ा सा पीक बना रही हूँ, जैसे कि हम बॉल होता है उस तरह से हमें इसका शेप देना है। आप वैसे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं बट मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से शेप दे रही हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से फर्मली सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दूँगी। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब ये जो व्हिप क्रीम मैंने लिया है इसे हम व्हिप कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो व्हिप क्रीम है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड शुगर। कोई कोई जो व्हिप क्रीम होते हैं वो ऑलरेडी स्वीट होता है, उसमें ऑलरेडी शुगर और वेनिला एसेंस जो है मिला हुआ होता है, पर यहाँ पर मैंने प्लेन वाला व्हिप क्रीम यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर विथ 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस इसमें डाल दिया है। अब हम अच्छी तरह से एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या आप हैंड ब्लेंडर जो मैनुअल वाला होता है उससे भी आप इसे बीट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, बट इतना ध्यान रखें कि जो व्हिप क्रीम है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड हो और जो बर्तन भी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा
ठंडा हो ताकि ये जो विप क्रीम है बहुत जल्दी से विप हो जाए। इतना है कि इलेक्ट्रिक बीटर में बहुत जल्दी क्रीम विप हो जाती है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसी का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये विप क्रीम जो है विप हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं इस पर। तो हमारा जो विप क्रीम है ये बिल्कुल बनके रेडी है। अब देखते हैं कि हमारा कंडेंस्ड मिल्क का क्या हाल है। तो कंडेंस्ड मिल्क भी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। ये प्रोसेस मैंने थोड़े पहले कर लिया था, तो आप देख सकते हैं इसकी भी जो टॉफ़ी है बिल्कुल बन चुकी है। इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल थिक हो चुकी है, ये बिल्कुल रनी नहीं है। तो ये जो बिस्किट का मिक्सचर हमने रखा हुआ था फ्रिज में सेट होने के लिए, बिल्कुल सेट हो चुका है और बिल्कुल फर्म हो चुका है। अब ये जो टॉफ़ी हमने बनाई है जिसे हम डूल्से डे लेचे भी कहते हैं स्पेनिश में, ये बहुत ही कॉमनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होती है केक्स पे या कप केक्स पे और बहुत से डेजर्ट्स पे ये यूज़ की जाती है। तो ये जो स्प्रेड है ये इसी तरह से कैरमलाइज करके कंडेंस मिल्क को बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप अगर इसे ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरी तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो बनानाज हमने लिए थे इसके जो स्लाइसेस है ये हम इस पे रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सारी स्लाइसेस बनाना के रख दिए हैं। अब जो हमने जो व्हिप्ड क्रीम बनाया हुआ था इसके ऊपर हम ये इस पे डाल देंगे। तो ये देखिए व्हिप्ड क्रीम भी बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो रही है, इसे आप इसी तरह से इस पे डाल दीजिए। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें एक नोजल की मदद से थोड़ी सी इस पे डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा बनता है। बस थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखने के लिए मैं इसे इस पे ये छोटे से पीक्स बना रही हूँ। तो ये तो बनके रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से चॉकलेट शेविंग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो स्प्रिंकल्स जो आते हैं वो भी इस पे डाल सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर थोड़े से बनाना के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट के शेविंग्स यूज़ की है। तो ये देखिए हमारा बनोफी पाई बिल्कुल बनके रेडी है। इसे आप थोड़े से सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें, या आप अगर इमीडिएट खाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली इसे खा सकते हैं। तो बस हमारा बनोफी पाई बनके बिल्कुल रेडी है और ये एक बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये बनानास विद व्हिप्ड क्रीम एंड कैरमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।